स्टार्ट हो गया। हाँ चलिए नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो इसमें ये रहेगा कि रिंगर सेक्शन रिसीवर सेक्शन को आप कैसे स्टेप बाय स्टेप मल्टीमीटर के द्वारा से कूल टेस्टिंग करोगे। मतलब अगर आपके पास किसी का फोन आया और रिंगर से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है और अगर हम उसमें एक दो रिंगर को लगाते हैं और नहीं काम करता है और अगर उसका फोन में ट्रैक से प्रॉब्लम है तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रैक चेक करेंगे कि आखिर बीमारी है तो कहां बीमारी है। तो इसी का आज का प्रैक्टिकल टेस्टिंग वीडियो होगा। तो चलिए इस वीडियो में को कंटिन्यू करते हैं। चलिए लेकर के आ जाओ इधर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक फोन है, रेडमी 5A का फोन है और यहाँ पे हम जियो का भी फोन में देखेंगे और दो तीन फोनों में देखेंगे। थोड़ा इधर लाएंगे। चलिए यहाँ पे हमारे पास में एक ये वीवो का फोन है, ये रेडमी का फोन है, ये भी रेडमी का फोन है, ये जियो का फोन है। तो सभी में रिंगर से रिलेटेड कुछ जाँच करते हैं कि क्या इसमें करेंगे। पहले तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ध्यान से इसको देखने का प्रयास करें ताकि आपको कुछ समझ में आए। चलो सबसे पहले अगर हमारे पास ये फोन या ये कोई भी फोन आता है, रिंगर से प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहला काम क्या है, इस फोन को हम बजा के चेक करेंगे कि सच में बज रहा है कि नहीं बज रहा है। अगर हम वो सब सारे चीजों का काम को कर लिए, रिंगर वगैरह चेंज वगैरह का काम कर लिए और नहीं काम किया तो क्या काम करेंगे। यहाँ पे स्पीकर लिखा हुआ है तो ये स्पीकर का ये और ये दोनों पॉइंट है, मतलब स्पीकर यहाँ पे दोनों पॉइंट टच होगा। यहाँ पे अगर टच नहीं होता है तो हमारा स्पीकर नहीं बजेगा। तो चलो अब इसका हम ट्रैक चेक करते हैं कि आखिर इसका जो ट्रैक मतलब रास्ता इसका ओके है या नॉट ओके है। वो चेक करने के लिए अपना मल्टीमीटर को बीप मोड में सेट करना है। बीप मोड में हम सेट किए और इसको टच कर रहे हैं, देखो बीप कर रहा है। इसको बीप मोड भी बोल सकते हैं, बजर मोड भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूटी मोड भी बोल सकते हैं, डायोड मोड भी बोल सकते हैं और कूल टेस्टिंग भी कह सकते हैं। तो चलो हम लोग कूल टेस्टिंग करते हैं। कूल टेस्टिंग करते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है रेड प्रॉप को ग्राउंड में रखोगे, मतलब रेड प्रॉप को अर्थ में रखोगे। अर्थ किसको कहते हैं, ये सब जो दिख रहा है ये गोल्डन दिख रहा है, ये सब गोल्डन है, ये सब अर्थ है, नेगेटिव है। चलो रेड वायर को हम ग्राउंड में रखें और ब्लैक वायर को रिंगर का किसी एक पॉइंट में टच करेंगे। टच किए तो यहाँ पे 411-12 के आसपास रीडिंग आ रहा है और दूसरे में चेक किए तो इसमें भी 422-23-24 के आसपास रीडिंग आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, देखिए ये 493 आया, फिर से चेक करते हैं इसको, ये 400, हाँ मतलब कितना 1-2 का आसपास में आया है ना। तो मगर जब भी हम कूल टेस्टिंग करेंगे और रिंगर का दोनों पॉइंटों में लगभग सेम वैल्यू आता है ना तो रिंगर का ट्रैक जो है वो ठीक है। क्या है, कूल टेस्टिंग में रिंगर का यहाँ से लेकर के ये पूरा बोर्ड ठीक है, ये पूरा पत्ता ठीक है और यहाँ पे ऑडियो आईसी लगा हुआ, मतलब यहाँ से ऑडियो आईसी तक का इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब यही चीज़ों को दूसरे फोन में चेक करते हैं। ये यहाँ पे खुला हुआ है, थोड़ा देखते हैं इसको, इसको हम चेक करते हैं। ये देखो रिंगर का ये दोनों पॉइंट है, ठीक है जी, रेड प्रॉप को ग्राउंड में रखें और यहाँ पे भिरा दिए तो यहाँ पे देखो रीडिंग आ रहा है क्या, यहाँ पे भिरा दिए तो यहाँ रीडिंग आ रहा है क्या, मतलब इसका लाइन ब्रेक है। क्या है, इसका लाइन ब्रेक है, मतलब इसमें हम अगर रिंगर लगाएंगे तो नहीं बजेगा, इसमें रिंगर लगाएंगे तो नहीं बजेगा। तो इसका ट्रैक को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखो ये कनेक्टर में मेटल लगा हुआ है ना, यहाँ भी मेटल लगा हुआ है ना, ये कनेक्टर का मेटल मेरा उखड़ गया, क्या हो गया, तो यदि मेटल उखड़ जाता है तो इसका मजबूती कमजोर हो जाता है, तो ये अच्छे से लग नहीं पाता है, जिसके कारण इसका लाइन एक तो ब्रेक हो गया है। क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो यहाँ से हम आगे मेन मदरबोर्ड में जहाँ ऑडियो ऐसी होगा वहाँ जम्फर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें सील्ड लगाया, हम इसमें चेक करके आपको बताएंगे। फिर से चलो देखो यहाँ पे हमारे पास एक फोन है और ये है अपना रेडमी 9 पावर। क्या है, और इसका रिंगर का जो पॉइंट है वो भाई साहब हमारा ये और ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी वही तरीके से कूल टेस्टिंग करेंगे, रेड प्रॉप को यहाँ रखेंगे और यहाँ पे टच करेंगे, 431 आ रहा है और यहाँ पे टच करेंगे 440 के आसपास आ रहा है, मतलब ठीक है, चलेगा, है ना, इतना थोड़ा आगे पीछे रहता तो चलता है। तो इसका भी रिंगर का दोनों पॉइंटों में रीडिंग आ रहा है, मतलब इसका भी ट्रैक क्या है, सही है। ये हो गया कूल टेस्टिंग। क्या हो गया, अब चलो मान लेते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा ना कि एक का ट्रैक मिसिंग है, तो इसमें तो सील्ड लगा है, हम इसमें चेक करके उसी को दिखाते हैं। चलो मान लेते हैं हम इसको यहाँ पे टच किए और इसमें कोई रीडिंग नहीं किया, क्या किया, तो
इसको हम इसका पड़ोसी हो सकता है, यहाँ पे कंपोनेंट लगा होगा, यहाँ भी ट्रैक कटा हो सकता है, यहाँ कौन कौन कंपोनेंट ये सब का है। तो इस अगर आपके पास डायग्राम है तो डायग्राम से तो आराम से फाइंड कर लोगे, अगर आपके पास डायग्राम नहीं तो मल्टीमीटर से कैसे फाइंड करोगे। यहाँ पे टच किए और इधर अगल बगल भिराते जाना, जहाँ बीप का आवाज़ कर देखो, यहाँ बीप किया मतलब इसका कनेक्शन इसमें है, क्या है और अगर यहाँ से और यहाँ पे टच करते हैं और कुछ नहीं बताता क्या होता, और यहाँ बीप करता तो आप क्या समझते हैं, ये कनेक्शन जुड़ा हुआ है, यहाँ कटा नहीं है, नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे खोल दिए, क्या किए आप देखो तो यहाँ पे रीडिंग कर रहा है क्या, लेकिन यहाँ से यहाँ कर रहा है क्या, तो क्या समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक इसमें चेक किए कर रहा है कि नहीं, लाइन यहाँ तक सही। लेकिन अब यहीं पे देखो इसको लगा दिए, अब इसका कनेक्शन ऑडियो आईसी के पास भी होगा, तो यहाँ से हम यहाँ पे टच किए बीप कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइन क्या है, लेकिन इसको यहाँ खोल दिए अब, और अब हम यहाँ से यहाँ पे टच कर रहे हैं तो कुछ बता रहा है क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच का लाइन ब्रेक हो गया, बात समझे कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक का अगर लाइन ब्रेक होता तो यहाँ भी बीप नहीं करता, समझे कि नहीं समझे। तो देखो आपके पास ये क्यों बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि आपका कभी जैक वैक जब हम लोग चेंज करते हैं ना तो गर्म करते हैं असेंबली मशीन से, वो गर्म के कारण इसके अंदर से जो लाइन गया हुआ रहता है ना वो कभी कभी ब्रेक हो जाता है, क्या होता है ब्रेक हो जाता है, तो उसके कारण, या ये पत्ता कभी खराब हो जाएगा। तो आप कंफर्म कैसे करोगे, जैसे कि यहाँ पे रीडिंग नहीं आया तो यहाँ खराब है कि यहाँ खराब है, ये कंफर्म करने के लिए बस यहाँ से यहाँ ऐसे भिरा दिए, अगर रीडिंग नहीं आया समझ जाओ ये लाइन क्या है ब्रेक है, तो यहाँ से सीधा यहाँ आप जम्फर कर दोगे तो रीडिंग यहाँ आना शुरू हो जाएगा। कैसे रीडिंग यहाँ आएगा, जैसे यहाँ पे हम खोल दिए, जब ये खोल दिए तो देखो यहाँ पर रीडिंग है ना, तो जब यहाँ से यहाँ तार जोड़ेंगे तो ये रीडिंग हमारा यहाँ आ जाएगा, मतलब ये सिग्नल हमारा, और वही तो करना था, ये पत्ता क्या कर रहा है, यहाँ का सिग्नल को यहाँ ला रहा है और कुछ थोड़े ना कर रहा है, मतलब इस पत्ते के अंदर तार है, उस तार के द्वारा यहाँ का सिग्नल हमारा यहाँ पे पहुंच रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ भी तो कंपोनेंट लगा हुआ है, अगर हम यहाँ से सीधे यहाँ जम्फर करेंगे तो पूरा बाईपास हो जाएगा, तो भाई साहब आप यहाँ से यहाँ भी जम्फर कर सकते हो, कैसे, देखो ये बीप ही करेगा, देखो यहाँ पे रखे ना एक प्रॉप को और एक प्रॉप को यहाँ पे रखे, बीप कर रहा है ना, मतलब सेम है ना, तो अब यहाँ से यहाँ जम्फर भी कर सकते, आप यहाँ से यहाँ भी कर सकते, क्योंकि ये जो है ना, अगर आप ये वाले बोर्ड खराब हो जाएगा और अगर आप मार्केट से खरीदते हो और अगर वो डुप्लीकेट रहता है, क्या रहता है डुप्लीकेट, तो ये बोर्ड अगर आप खरीदोगे तो डुप्लीकेट बोर्ड में ये नहीं रहता है, तो डुप्लीकेट बोर्ड में नहीं रहता है तब भी रिंगर बजता है, तो काम कर रहा ना, मतलब इससे क्या समझ में आया, इसको लगाएंगे तो आवाज क्वालिटी मेरा अच्छा रहेगा, लेकिन इसको नहीं भी लगाएंगे तब भी मेरा काम चल जाएगा, इसीलिए तो वो नया बोर्ड जब हम डुप्लीकेट खरीदते हैं उसमें नहीं रहता है। मतलब ये बोर्ड दो तरीके का आता है, एक आता है ओजी और एक आता है नॉर्मल। ओजी आप खरीदोगे ना, ओजी मतलब ओरिजिनल जैसा रहेगा, तो उसमें ये सब आईसी वाईसी सब लगा रहेगा, और जो नॉर्मल रहेगा ना उसमें ये सब नहीं लगा रहता है, बात समझे, तो नॉर्मल में खराबी भी आता है, क्वालिटी भी कम रहता है, जल्दी खराब होने का भी संभावना रहता है, कुछ कुछ गड़बड़ी भी आता है। तो ये हम यहाँ पे रिंगर का ट्रैक चेक करना बताएं, और अगर इसका कहीं कनेक्शन कट जाए तो आप यहाँ से जम्फर ला करके यहाँ कर सकते, और इसको आपको कल प्रैक्टिकल करके भी देखोगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे हम टच किए और यहाँ पे टच किए, बीप किया और यहाँ भी बीप किया, इससे क्या समझे, कौन कनेक्शन में है ये, किसमें है सीरीज का। एक और तरीका चेक करने का, भाई साहब को ऐसे भिरा देंगे तो क्या करेगा, बीप करेगा, क्या करेगा बीप किया, कौन कनेक्शन में है ये, रीडिंग करता तो कौन कनेक्शन में होता, पैरेलल में होता ना। चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम दिखाएंगे, अब यहाँ पर देखिए हम लोग, ये अपना है इधर, ये भाई साहब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर ये मेरा B2B कनेक्टर है, B2B कनेक्टर से लाइन आया और एकदम आराम से यहाँ पे आया,
बताओ तो ये कंपोनेंट कौन कंपोनेंट है, कौन कंपोनेंट है? कैपेसिटर। कौन कनेक्शन में? मल्टीमीटर से डायरेक्ट टच करेंगे तो क्या बताएगा? रीडिंग। बस यही चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस में आना चाहिए कि हम जब कंपोनेंट को चेक करने जाएंगे ना, उससे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि वो बीप करेगा या तो अभी आप क्या बोले, रीडिंग करेगा। अगर बीप कर जाएगा तो आप क्या समझोगे, कंपोनेंट शॉर्ट कर गया, खराब हो गया। तो चलो उसको हम प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं। यहाँ पे है मतलब बी टू बी कनेक्टर के जस्ट बगल में, आओ मोबाइल में देखते हैं। देखो ये बी टू बी कनेक्टर है, इसके जस्ट बगल में छोटका ही दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बढ़िया से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन प्रयास करना। उधर हम दिखाए ना वहां पे डायग्राम में, हाँ। अब यहाँ पे भिरा दिए ऐसे और ऐसे भिरा दिए, मल्टीमीटर में क्या कर रहा है, रीडिंग कर रहा है। इससे क्या समझ में आया, कंपोनेंट भी सही है, पैरेलल कनेक्शन में भी है और शॉर्ट वॉट कुछ भी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अब चलो इसका पड़ोसी देखो, यहाँ पे ये कौन कंपोनेंट है, क्वाइल है, कौन कनेक्शन में है, क्या बताएगा चेक करेंगे तो? बीप करेगा। मतलब चेक करने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए। तो इधर आप चेक करके देखते हैं, ये वाले है ब्लैक वाला, ऐसे में भिरा दिए तो क्या कर रहा है, ये बीप कर रहा है। ये कौन कनेक्शन में है, सीरीज में है। मतलब ये और ये कंपोनेंट ठीक है, क्या है ठीक है। अगर इसी को ग्राउंड से टच करेंगे ना, अगर इसी को ग्राउंड से टच करेंगे तो यहाँ पे रीडिंग करेगा। एक सेकेंड, रीडिंग किया और यहाँ भी, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस। तो प्लस प्लस क्या करता है, बीप करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये कंपोनेंट भी ठीक है, ये पैरेलल में लगा था वो भी ठीक है, अब ये सीधा कनेक्शन चला गया आईसी के अंदर, ऑडियो आईसी में। कहाँ चला गया, ऑडियो आईसी में, ठीक है। मतलब यहीं पे हम लोग जब चेक किए थे उसी से जानकारी मिल गया था, ऑडियो आईसी तक का लाइन मेरा पूरा फिनिश ओके है। चलो अभी तो डायग्राम में लाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इसको जैसे चेक किया बस वैसे ही इसको चेक करना है। तो ये सब को आपको चेक करना है, अपने से प्रैक्टिकल चेक करके देखना है, हम आपको मदरबोर्ड देंगे उसमें, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ देखो ये वाला लाइन, ये कौन लाइन कहाँ जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमको बताओ ये लाइन कहाँ जाता है, जाता कहाँ है जी, सीपीयू में, कहाँ जाता है। अब ये जो लाइन है ना, सीपीयू वाला लाइन है, वो ओके है या नॉट ओके, उसको चेक करना बिल्कुल आसान है। इसको चेक कर लो ना, अगर इसमें रीडिंग कर गया तो क्या है, बीप कर गया तो क्या है, शॉर्ट है। कुछ नहीं बताया तब भी क्या है, कुछ अगर नहीं बताया तो लाइन ओपन है, ब्रेक है, और बीप किया तो लाइन शॉर्ट है। चलो इधर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखने के लिए आते हैं तो ध्यान से देखोगे, यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, और ये कौन कनेक्शन में है, ये कौन कनेक्शन में है, क्या बताएगा चेक करेंगे तो। चलो हम लोग देखते हैं चेक करके कि रीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भिरा दे रहे हैं ऐसे भाई सा, ओ हो रुको हड़बड़ा सड़ जाता है। देखो रीडिंग किया, अरे रीडिंग किया, मतलब क्या है, ठीक है। हमको कंपोनेंट भी पता चल गया, ये लाइन भी शॉर्ट नहीं है, और अगर लाइन भी ब्रेक रहेगा तब भी यहाँ रीडिंग नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो हम सीपीयू का लाइन भी चेक कर लिए। अब ये बड़ा वाला चेक करना है, ये लाइन कहाँ जाता है, बीपीएस पावर वाला, चार्जिंग आईसी में जाता है। ये कौन कनेक्शन में है, चेक करेंगे तो क्या बताएगा, रीडिंग करेगा। चलो देखते हैं, इधर बड़ा कैपेसिटर ये है ना, इसको यहाँ पे ऐसे भिरा दिए भाई साहब को, रीडिंग किया तो ये क्या है, मतलब इसका कंपोनेंट भी ठीक है और लाइन भी सही। ग्राउंड से चेक करेंगे, एक तरफ बीप एक तरफ रीडिंग है ना, तो इधर देखो क्या क्या रीडिंग किया, इधर देखो क्या क्या बीप किया, बीप किया उधर माइनस से जुड़ा है और रीडिंग किया उधर मेन कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। चलो थोड़ा साइड हो जाएंगे सर, उसके बाद आगे देखेंगे ये वाला लाइन कहाँ जाएगा, इस दोनों पावर आईसी में। अब ये भी रीडिंग यहाँ करेगा, चलो आके चेक करते हैं। इधर छोटा है, बिल्कुल छोटा है, देख रहे हो ये वाला, इसको हम चेक किए हैं और भाई साहब को देखो रीडिंग किया, अरे बढ़िया टच होगा तो, हाँ रीडिंग किया, मतलब इसका भी लाइन क्या है, सही है। मतलब हम आपको इसमें रिंगर का जितने सारा लाइन होता है उसको ओके और नॉट ओके चेक करने का तरीका बताएं कि कैसे चेक करना है,
ठीक है जी। कल सभी को हम ये फोन अलग अलग देंगे, सभी लोग अपने से चेक करके देखोगे। अब चलो उसके बाद हम लोग को चलते हैं रिंगर का, जहां तक चेक करने बोले वहां तक आपको चेक करके देखना है, उसके आगे और फिर आगे बताएंगे। एक ही बार सब बता देंगे तो यही भूल जाओगे, क्या हो जाओगे? हाँ, तो थोड़ा धीरे धीरे करके, है ना, खाना खाओ एकदम आराम से, चबा चबा के खाओ, ठीक है जी, तो ठीक रहेगा। अब चलो देखते हैं हम लोग रिसीवर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, बाकी इसका आप लोग कल काम करोगे। ये भाई साहब चलिए, अरे मालिक जी क्या कर रहा है, दिखा रहे हो? ओहो हाँ, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले रिसीवर का देख लेते हैं। हम लोग अभी चेक किए रिंगर का, रिंगर का हम लोग ये चेक कर लिए कि रिंगर का जो पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जाता है, और रिंगर का आईसी से लेकर के सीपीयू में जाता लाइन वो भी चेक किए, चार्जिंग एसिम जाता वो भी चेक किए, पावर एसिम जाता वो भी चेक किए। अब आगे चेक करना रिसीवर का, तो देखो यहाँ रिसीवर लगा हुआ है, जब ऐसे पलटी करेंगे तो ये और ये दोनों पॉइंट रिसीवर का है, ठीक है। तो रिसीवर का ट्रैक जो है वो हमारा जाता है पावर एसिम में, तो रिसीवर का जो ट्रैक है वो ठीक है कि नहीं है वो चेक करने के लिए रेड वायर को कहाँ रखोगे? ग्राउंड में। मल्टीमीटर बी पॉइंट में सेट है, रिसीवर का एक पॉइंट में टच करेंगे, रीडिंग किया और यहाँ भी रीडिंग करना चाहिए, सेम रीडिंग आया, मतलब तो हमारा रिसीवर का पूरा ट्रैक सही है। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन कौन कंपोनेंट में गया होगा, तो वही काम कर सकते हो, रिसीवर का एक पॉइंट में रखोगे, इधर भिराओगे, बीप किया इसमें गया है, और इधर भी टच करोगे यहाँ भिराओगे, बीप किया तो इसमें भी गया है। मतलब डायग्राम में थोड़ा सा देख लो, देखो ये अपना रिसीवर का पॉइंट है, रिसीवर का कनेक्शन आया ये डायोड में, फिर आया यहाँ पे कैपेसिटर में, फिर आया यहाँ पर आया रेजिस्टेंस में, और इधर से आ गया सीधा पावर आईसी के अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक का ट्रैक सही है कि नहीं है? यहाँ पे एक प्रॉप को रखोगे, एक प्रॉप को यहाँ रखोगे, टी बीप करेगा, तो क्या समझ में आएगा ये लाइन? यहाँ पे रेड वायर को ग्राउंड में रखोगे, ब्लैक को यहाँ टच करोगे, दोनों में रीडिंग आ जाएगा, तो पूरा समझ जाओगे लाइन क्या है। अगर रीडिंग करेगा तो दोनों लाइन ठीक है, बीप करेगा तो लाइन शॉर्ट रहेगा, और कुछ नहीं बताएगा तो लाइन ब्रेक रहेगा। यहाँ पर देखो सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ, अगर ये कंपोनेंट को निकाल दें तो सीधे लाइन ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका भी प्रैक्टिकल आप करके देखोगे, कंपोनेंट निकाल करके देखो। इधर हम यहां आते हैं, ये जियो का फोन है, किसका फोन है? अब देखो जियो का फोन इधर लेकर के आते हैं भाई साहब, जियो का फोन है, देखो मैं एंड्रॉइड में चेक किए ना, कीपैड में भी देख लो, रेड प्रॉप को यहाँ पे रखे और यहाँ पे क्या क्या रीडिंग किया, और यहाँ भी क्या क्या रीडिंग किया, मतलब इसका दोनों प्रॉप में रीडिंग आया, मतलब ठीक है, रिंगर का ट्रैक पूरा क्या है, सही है। बस जैसे हम लोग यहाँ पे टच किए ना, जैसे यहाँ पे टच किए, अब इसका रिंगर का कनेक्शन का कौन कंपोनेंट है, इसी का पड़ोसी में भिराते, देखो यहाँ भिराए बीप कर रहा है, देखो यहाँ भिरा रहे तब भी बीप कर रहा है, इधर भी भिरा रहा है तब भी बीप कर रहा है, इससे क्या समझ में आया? कौन कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में। अगर ये कंपोनेंट को हम निकाल देंगे तो ये लाइन क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो कल ये कंपोनेंट को खोल देना है और फिर लगाना, खोल के चेक करना लाइन ब्रेक हुआ कि नहीं, फिर लगाकर चेक करना है कि लाइन ओके हुआ कि नहीं। इससे क्या जानकारी होगा, जो आप लोग कंपोनेंट रिप्लेसमेंट का क्लास किए हैं ना, वो कंफर्म होगा कि अगर हम कोई कंपोनेंट खोलते हैं और लगाते हैं तो सही से लगेगा तभी लाइन ओके होगा, अगर सही से नहीं लगेगा तो लाइन ओके नहीं होगा। तो ये प्रैक्टिकल करके आप लोगों को कल चेक करके देख लेना है, बाकी इसका क्लास फिर हम आप लोग को आगे लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें आपको बताएं रिंगर और रिसीवर के बारे में कुछ कुछ चीजों को चेक करने का तरीका, ठीक है जी। चलिए।